इस चैनल की पहली सबसे बड़ी वीडियो है, तो यार मेरी इज्जत रख लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। गाइस आपने पोकेमॉन जर्नी तो देखी है, जिसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि ऐश ने हर चैंपियनशिप बैटल क्यों नहीं की, लैंस से उसकी बैटल अभी तक नहीं हुई, ऐश के पोकेमॉन इवॉल्व नहीं हुए, ऐसे कई सारे क्वेश्चन उठ चुके हैं ऐश की लास्ट जर्नी देखने के बाद भी, जिसके जवाब के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। इस वीडियो का लाइक मैं रखूँगा 100 लाइक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है 100 लाइक की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है ऐश की एक नई जर्नी जिसका नाम है पोकेमॉन जर्नीज। ये भी वही नाम है, सब कुछ वही है, बस इसमें बदलने वाली क्या चीज़ें हैं, इसमें ऐश किसी भी नए पोकेमॉन को नहीं पकड़ेगा, अपने पुराने पोकेमॉन के साथ ही अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेगा। कि अब वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसके बारे में उसको प्रोफेसर ओक बताते हैं, जिसके बाद वो निकल जाता है अपने पुराने पोकेमॉन से मिलने और उनसे हेल्प मांगने, क्योंकि ऐश का ड्रीम है पोकेमॉन मास्टर बनने का, यानी कि पोकेमॉन की हेल्प करने का, जो हमें रिसेंटली भी पता लगा है। लेकिन उसके पोकेमॉन्स के भी कुछ ड्रीम थे, उन्हें ऐसे पावरफुल बनना था और स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को डिफीट करना था, जिसके लिए उन्होंने ऐश को ज्वाइन किया था। तो अगर स्टोरी ऐसी होती तो सच में कमाल की होती, जो लास्ट 11 एपिसोड आते उसे शूट करते इसके बाद से, क्योंकि यहाँ ऐश के सभी पोकेमॉन की मिक्स टीम अप दिखाए थे, काफ़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट कर देते। इसके अलावा वो 11 एपिसोड ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐश और उनकी बॉन्डिंग को दिखाया जाता, जो अभी दिखाया भी गया है, लेकिन हमें बैटल भी देखनी थी उन पोकेमॉन की, ऐसे में हम उन्हें नहीं देख पाए जो इस वीडियो में देख पाओगे। तो अभी के अभी लाइक कर दो इस वीडियो को यार, मैं चाहता हूँ कि 100 लाइक हो जाए इस वीडियो पे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है ये एपिसोड। तो पोकेमॉन जर्नीज का पहला एपिसोड तो बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि पिकाचू के ओरिजिन को दिखाया जाता है, कि पिकाचू 4 साल पहले पिकाचू था, जो पिकाचू इवॉल्व कैसे हुआ, केंगिस खान की हेल्प कैसे ली, ये सब हमें दिखाया जाता पहले एपिसोड में, ये वर्थ इट रहता। उसके बाद स्टोरी में चेंजेस आते कुछ एपिसोड के बाद, वो जाता प्रोफेसर ओक के पास, जहाँ वो अपने सारे पुराने पोकेमॉन से मिलता है, बताता है कि हमने अलोला लीग जीत ली है और मैं चैंपियन बन चुका हूँ। जिसके बाद ऐश का इन्फर्नेव काफ़ी उदास दिखता है, ऐश पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि हम जीत चुके हैं। जिसके बाद प्रोफेसर ओक बताते हैं कि ऐश इन्फर्नेव का ड्रीम था कि वो एक पावरफुल पोकेमॉन को हराए जो फायर टाइप हो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे टोराकैट ने करके दिखा दी है, एक पावरफुल इंजीनियर को डिफीट करके, लेकिन ऐसा चीज़ इन्फर्नेव करना चाहता था जो वो नहीं कर पाया। तब ऐश बोलता है, मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस है इन्फर्नेव, लेकिन अब कोई पावरफुल ट्रेनर नहीं बचा है, क्योंकि अब तो मैं अलोला का चैंपियन बन चुका हूँ। जिसके बाद ऐश पीछे मुड़ के देखता है, उसके कई सारे पोकेमॉन काफ़ी उदास खड़े हैं। ऐश बोलता है, अब तुम्हें क्या हुआ। तब प्रोफेसर ओक बताते हैं कि ऐश तुम्हारे नए रीजन में जाने के बाद भी ये पोकेमॉन ट्रेनिंग बंद नहीं करते, ये हार्ड वर्क करते और इंतजार करते कि तुम एक बार तो आओगे और इन्हें चैलेंज का मौका दोगे, जिसके लिए ये अभी तक हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन तुमने अलोला लीग जीत ली है और उसके बाद तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम अब बैटल नहीं करोगी, तो ये चीज़ इनको काफ़ी बुरी लग रही है, क्योंकि इन्होंने अभी तक प्रैक्टिस बंद नहीं की है और ये चाहते हैं कि ये भी एक पावरफुल ट्रेनर पा रहा है। तो ऐश बोलता है, तो प्रोफेसर ओक अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे कोई ऐसा चैलेंजर मिलेगा जो प्रोफेसर को किसी भी ज़्यादा पावरफुल हो। तब ओक बोलते हैं, हाँ कई सारे मिल सकते हैं, जैसे कि सिंथिया। ऐश कहता है, हाँ मैं जानता हूँ उन्हें, ये काफ़ी पावरफुल ट्रेनर है, मुझे उन्हें चैलेंज करने जाना चाहिए अपने पोकेमॉन को लेके। तब ओक कहते हैं, मैंने सुना है कि उनसे भी ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर एक मैंने देखा है वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में। ऐश कहता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज ये क्या चीज़ है। तब ओक बताते हैं, ये एक ऐसी टूर्नामेंट है जहाँ पर कोई भी चैलेंजर या बैटल कर सकता है और नंबर वन आने के लिए बैटल की जाती है, यानी कि तुम्हारे सारी पोकेमॉन नंबर वन माने जाएंगे अगर तुम उस ट्रेनर को डिफीट कर दोगे तो। तब ऐश कहता है, तो ठीक है मैं उसे चैलेंज करने जा रहा हूँ। लेकिन प्रोफेसर ओक बताते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पहले इस टूर्नामेंट में पार्ट लेना होगा, जिसके बाद तुम्हें कई सारी क्लासेस को पार करना होगा। पहले आएगी नॉर्मल क्लास, यहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन ट्रेनर मिलेंगी, और ऐसे तुम्हें रैंक ऊपर करते करते मास्टर क्लास में आना होगा। मास्टर क्लास के ट्रेनर ही इतने पावरफुल होंगे जिनका इंतजार तुम्हारे पोकेमॉन कब से कर रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते, तुम्हें टॉप 8 में आना होगा उसके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर को डिफीट करो और रैंकिंग को जल्दी से जल्दी ऊपर लेके आओ। तो ऐश की पहली बैटल होती है वर्मिलियन जिम में। तो ऐश बोलता है, पिकाचू तुम्हें याद है कि हमने यहाँ पर एल्टी सर्च को हराया था, तो शायद हमें दोबारा मौका मिला है उन्हें डिफीट करने का, तो चलो हम अंदर चलते हैं। लेकिन वहाँ पर उनके सब्सिट्यूट जिम लीडर विस्किस होती है। तब ऐश बोलता है, मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन में भाग लेने आया हूँ और मैं एल्टी सर्च को चैलेंज करने आया हूँ। उसके बाद विस्किस बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ट्रेनिंग पे गए हैं और तुम जिम बैटल के लिए नहीं आए हो, इसका मतलब तुम काफ़ी पावरफुल होगी, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। जिसके बाद ऐसे उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और स्टार्ट करता है पिकाचू से। फिर वो बोलती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास राइचू है। तब ऐसे बोलता है, घबराओ मत, हमने पहले भी एक राइचू को डिफीट कर रखा है इसी जिम में। तब वो बोलती है, तो तुम हो वो ट्रेनर
मुझे आईटी सर्च ने बताया था कि ये बहुत ही पावरफुल ट्रेनर है जिसके साथ पिकाचू है जिसकी पावर अनबिलीवेबल है, इसलिए वो ट्रेनिंग पे गए हैं। तो मैं जरूर जाऊंगी तुमसे मैच करना। जिसके बाद वो फिर रायचू को निकालती है और इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही होती है, लेकिन रायचू इस बार काफ़ी फास्ट होता है जिस कारण हैश पिकाचू को वापस बुलाता है और बल्बासोर को छोड़ता है। तब वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो ऐस, तुम्हारे सभी पोकेमोन अनइवॉल्व हैं और इतने कमजोर पोकेमोन को लेके तुम कैसे हो सकते हो कि तुम एल्टी सर्च को हरा सकते हो। ऐस उसका रिप्लाई देते हुए कहता है, इसका जवाब मैं एंड में दूंगा। बल्बासोर पे ठंडा शोक का असर नहीं हो पाता और बल्बासोर काफ़ी फुर्तीला होता है जिससे वो उसके कई मूव को डोज कर जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम सच में काफ़ी फुर्तीले हो, लेकिन क्या तुम इसका सामना कर सकते हो। जिसके बाद वो वोल्टोर को निकालती है। वोल्टोर बिल्कुल वैसे ही गैंगर की वाली टेक्निक से ही बैटल कर रहा होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह बॉल से ही बाउंस कर रहा होता है। लेकिन इस बार इन दोनों का क्लैश होता है जिसमें सोलर बीम और इन दोनों का हमला एक दूसरे लग जाता है। वोल्टोर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि सोलर बीम को चीरते हो जाता है और बल्बासोर को हिट कर जाता है, जिसका रिजल्ट ड्रो में आता है। ड्रो के बाद अब पिकाचू रायचू द्वारा एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और ऐस बोलता है, पिकाचू हमने पहले भी रायचू को कई बार हरा रखा है तो हमें घबराने की बात नहीं है। तो पिकाचू की स्पीड को रायचू मैच कर लेता है क्योंकि एडी थर्ड ने उसे यही सिखाया है कि रायचू की स्पीड भी पिकाचू के इक्वल रखो। तो ऐस ठंडे शौक से क्लैश करता है रायचू का, जिसमें रायचू हार लगता है। तब वो कहती है, इम्पॉसिबल, ये तो पिकाचू है, इसका पावर इतना ज़्यादा कैसे हो गया, और थोड़ी देर पहले तो ये हार रहा था। तब ऐस बताता है, मेरा पिकाचू बाकी पिकाचू के जैसा ही है, यानी कि ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन इसकी ताकत अचानक से बढ़ जाती है जब ये ट्रस्ट करता है या बॉन्डिंग बनाता है। जब हम दोनों ने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी तब कई सारे स्पीरोस के झुंड ने हम पे अटैक किया था, उस टाइम पे इस पिकाचू का पावर अलग ही लेवल पे पहुंच गया था। मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये वही पिकाचू है जो कई बार हारता हैगा, कई वीक पोकेमोन से हार जाता है, लेकिन ये वही पिकाचू है जिसने लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन को डिफीट कर रखा है अपने दोस्तों के लिए। बल्बासोर इसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसको तुम्हारे पोकेमोन ने डिफीट कर दिया, जिसके बाद इसकी पावर अलग ही लेवल पहुंच गई, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बल्बासोर का सेक्रीफाइस बेकार हो जाए, जिसका रिजल्ट अब तुम देख ही सकती हो। जिसके बाद पिकाचू थंडर शॉक से ही रायचू को डिफीट कर देता है, इसीलिए ये पिकाचू काफ़ी ज़्यादा खास है। और हाँ, मेरे हर एक स्मॉल पोकेमोन भी सुपर स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ऐस उन्हीं स्मॉल पोकेमोन से ही बड़े बड़े पोकेमोन को डिफीट करने लगा और अपनी रैंक को नॉर्मल से ग्रेट क्लास में लेके आ गया। अब वो जाता है कालोस रीजन में बैटल फेस्टिवल में चैलेंज करने के लिए, जहाँ उसका फाइनल में मुकाबला होता है कोरिना से, जिसमें कॉर्फिस माचो को डिफीट कर देता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद। नेक्स्ट बैटल होती है स्टार रैप्टर वर्सेस मिनशाओ की, जिसमें स्टार रैप्टर इजीली मिनशाओ को डिफीट कर देता है। जिसके बाद ऐस कंटिन्यू करता है लुकारियो के खिलाफ भी स्टार रैप्टर को, लेकिन लुकारियो जहाँ हानि लगता है तभी वो मेगा इवॉल्व कर लेता है और स्टार रैप्टर को एक ही ओर स्पीयर से डिफीट कर देता है। कॉर्फिस काफ़ी थका हुआ होता है जिस कारण वो भी उसका मुकाबला ज़्यादा नहीं कर पाता और एक भी सक्सेसफुली हिट नहीं कर पा रहा होता, और वो भी वहाँ हार जाता है। एंड फाइनली मुकाबला होता है नोइवन का, जिसमें नोइवन एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ उसे डिफीट कर देता है। तब कोरिना कहती है कि ऐस तुम्हारे पोकेमोन तो सच में काफ़ी कमाल के हैं, तुम्हारे नोइवन ने कितने कमाल के तरीके से मेगा लुकारियो को डिफीट कर दिया, मैं सच में काफ़ी इंप्रेस हुई। तब ऐस बोलता है, वैसे इंप्रेस तो मैं भी हुआ कि अगर स्टार रैप्टर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मेगा लुकारियो को डिफीट किया जा सकता था। तो सच में तुम्हारे मेगा लुकारियो ने भी काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की है। जिसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि ऐस अब कालोस रीजन को एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ पर वो प्रोफेसर सिकामोर से मिलता है, उन्हें हेलो करता है और ग्रेनिंजा और गुडरा का कैमियो भी दिखाया जाता है। और ऐस एलान को एक और कहता है कि तुम्हें बैटल को दोबारा से एंजॉय करना चाहिए और तुम्हें भी इस वर्ल्ड कॉन्डिशन सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिसको एलान मना कर देता है। उसके बाद टीम रॉकेट आती है पिकाचू को चुराने के लिए दोबारा से। ऐस के नए पोकेमोन को देख के एलान काफ़ी हैरान होता है कि ऐस के पास इतने कमाल कमाल के पोकेमोन पहले से ही हैं। उसे लगा कि ऐस के ग्रेनिंजा ही स्पेशल है, लेकिन ऐस के पास कई सारे कमाल कमाल के पोकेमोन पहले से ही हैं। जिसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐस दोबारा से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करता है और अपने छोटे मोटे पोकेमोन से बड़े बड़े पोकेमोन को डिफीट करने का नॉर्मल सा सीन दिखाया जाता है। और वो एक ट्रेनर को बता रहा होता है कि टीम वर्क ही सब कुछ होता है, टीम वर्क से हम किसी भी पोकेमोन को डिफीट कर सकते हैं। अब उसका मुकाबला होता है बिया से। बिया के खिलाफ ऐस यूज़ करता है बुइजिल का और बिया यूज़ करती है हावलूचा का, जिसमें बुइजिल का आइस टाइप मूव से लगने वाला ही होता है, तभी हावलूचा को स्विच करके भेज देती है एडमोन टॉप को, जिसके पास थंडर पंच जैसा मूव भी होता है, और उसकी स्पिनिंग का जवाब यहाँ पर ऐस नहीं दे पाता और उसका बुइजिल हार जाता है। तब वो यूज़ करता है मर्क का।
मग के सामने उसकी स्पिनिंग कुछ काम नहीं आती, जिस कारण मग यहाँ पर इजीली जीत जाता है। तब उसका नेक्स्ट पोकेमोन आता है ग्रैबलॉक का, जिसकी पकड़ से मग तो निकल जाता है और उस पर स्मग अटैक यूज कर देता है, जिससे वो पॉइजन हो जाता है, जिस कारण वो स्विच करके भेज देती है दोबारा से हावलूचा को। हावलूचा ब्रेव बर्ड से मग को डिफीट कर देता है। उसके बाद मैच होता है हावलूचा वर्सेज नोकटाउल का, जिसमें हावलूचा दोबारा ब्रेव बर्ड का यूज करने वाला होता है, तभी वो एक्स्ट्रा सेंसरी से उसे डिफीट कर देता है। पॉइजन ग्रैबलॉक वर्सेज नोकटाउल का मुकाबला होता है, जिसमें नोकटाउल उस पर से एक्स्ट्रा सेंसरी यूज करता है, लेकिन वो उसे डोच कर जाता है अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से। फिर नोकटाउल यूज करता है विंग अटैक का, लेकिन उसे वो ग्रैब कर लेता है और उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। ऐसे केस कोई ऑप्शन नहीं बचता, जिस कारण वो कन्फ्यूजन यूज करने को कहता है। वो ऊपर लेके जाता ही है, तभी वो रैप की पकड़ मजबूत कर देता है, जिससे नोकटाउल वहीं पर डिफीट हो जाता है और वो नीचे गिरते के साथ ही थोड़ा बहुत हर्ट होता है, लेकिन पॉइजन होने के कारण वो भी वहाँ डिफीट हो जाता है और इस तरह ये मैच ड्रॉ हो जाता है। इन दोनों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं आता। तब वो कहती है पोकेमोन को स्विच करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन तुम्हारा पोकेमोन का टीम वर्क भी काफ़ी कमाल का है। मैं तुमसे दोबारा बैटल करना चाहूँगी, लेकिन ग्रेट क्लास में नहीं, मास्टर क्लास या अल्ट्रा क्लास में। तो देखते हैं उस टाइम तक तुम सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि तुम इस बार लक से जीते हो। ऐसा कहता है वो उस वक्त पर लग जाएगा जब हमारा मुकाबला दोबारा होगा। नेक्स्ट डे ऐसा अपने छोटे पोकेमोन को ट्रेन कर रहा होता है, जिससे वो इवोल्व हो जाए और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए, जिस चक्कर में वो पिकाचू को भूल जाता है। और पिकाचू का वही एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें एस रियोलू को ट्रेन करते वक्त पिकाचू को भूल गया था। मैं इस एपिसोड को नहीं काट सकता, क्योंकि ये एपिसोड सच में काफ़ी कमाल का था और पिकाचू के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ जो आपको अभी पता लग जाएंगे। इस पियरो के मिस्टर राइम पे अटैक होने के बाद जब पिकाचू आगे आता है और उन्हें ठंडे शौक से भगाता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि पिकाचू कितना गलत सोचता था एस के बारे में। एस केयरलेस नहीं है, उसने उस वक्त उसकी हेल्प की थी जब उसे बहुत ज़्यादा जरूरत थी और इस टाइम पे एस को ज़रूरत है, तो वो पीछे कैसे हट सकता है। वो केयरलेस नहीं हुआ है, बल्कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और वो चाहता है कि उसके सभी दोस्त स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दिखाया जाता है कि एस के अब सभी पोकेमोन में से ज़्यादातर पोकेमोन इवॉल्व हो चुके हैं इस दो दिनों में, और एस काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है उनकी पर्सनैलिटी को समझने की और उनको पहले ऐसा बनाने की। पिकाचू यह सब देख के रियलाइज़ करता है कि जब वो पिकचू था तो उसे कैसा लगता था, लेकिन जब वो पिकाचू में इवॉल्व हुआ उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ गए। ऐसे चेंजेस इसके नए पोकेमोन में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे चेंजेस हमें चार साइड में देखने को मिले थे, जिसके बाद एस और पिकाचू ये दोनों मिलके इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और पिकाचू इन्हें समझाने में कामयाब हो जाता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में कितने चेंजेस आए हो, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें पहले से हरकत नहीं करनी होगी, बल्कि अब तुम्हारा एम और ज़्यादा साफ हो जाना चाहिए कि हमें सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। जिसके बाद एस के सभी पोकेमोन मिलके चीयर करते हैं पिकाचू और एस को। तब एस बोलता है वाह पिकाचू, तुमने ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे ये इतने ज़्यादा शांत हो गए और ये बिल्कुल पहले ऐसे लग रहे हैं, और इतने टाइम से तुम कहाँ थे, और जी मिस्टर मैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर ऐसे खत्म होती है एस की एक और आर्क। तो नेक्स्ट डे एस को कैसे मिस्ट्रियस चीज दिखती है, जैसे जिगेंटामैक्स कुछ पोकेमोन हो गए हैं जिन्हें एस अपने नए पोकेमोन के साथ डिफीट करने लग जाता है। ये चीज़ लियोन देखता है और लियोन को काफ़ी इंटरेस्ट आता है एस के अंदर कि ये पोकेमोन ट्रेनर कैसा है, ये लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये लगभग मेरे जैसा ही है। जिसके बाद वो पूरी आर्क चलती है डार्केस्ट डे वाली, जिसमें चेयरमैन रोज का इविल प्लान पता लगता है और एस और उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नाकामयाब होने के बाद लियोन से हौसला देता है। और तभी वहाँ रायान और सोनिया आ जाती है जो एस की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब वो उन्हें बताती है सोनिया कि मुझे शील्ड और स्वॉर्ड मिली है लेकिन इनका यूज़ मुझे नहीं आता। जिसके बाद लियोन और एस जैसे शील्ड को हाथ लगाते हैं वो जैचेन और जेमेजेंटा में चेंज हो जाती है और उसके बाद वो बैटल स्टार्ट करते हैं और बैटल बिल्कुल वैसे चलती है, यानी कि चेयरमैन रोज को रोक दिया जाता है एस और लियोन की मदद से और एडन नेटस को रोक दिया जाता है जर्नियस और जेमेजेंटा की हेल्प से, जिसके बाद लियोन उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद एस बोलता है कि आप कौन हैं, आप सच में काफ़ी पावरफुल है, क्या आप मुझसे बैटल करना चाहोगे। जिसके बाद वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं अभी हमारा टाइम नहीं आया है। जिसके बाद एस कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो कहता है कि आप भी पार्टिसिपेट करने वाले हो वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में। तब लियोन बताता है कि मैं नंबर वन पे हूँ वहाँ पर और मैं अभी तक अनडिफीटेबल हूँ और मैं हूँ गिलार का चैम्पियन। जिसके बाद एस बोलता है क्या चैम्पियन, ये तो ऑसम है, मैं तुम्हें अभी चैलेंज कर रहा हूँ। जिसके बाद लियोन मना कर देता है कि उसके चाय साइड की हालत अभी बहुत बुरी है और तुम्हारे पोकेमोन भी काफ़ी थके हुए हैं, तो तुम मेरे को उसी का मास्टर क्लास में चैलेंज करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा एस, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ट्रीट दे सकता हूँ। जिसके बाद एस उसके हाथ घूमता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है।
नेक्स्ट डे से वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है लियोन से बैटल करने के लिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी कई सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को डिफीट करने लगता है। थोड़ी देर में वो देखता है कि दो पोकेमोन जो फॉसिल पोकेमोन है वो कुछ ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं, जिसके लिए एस उन्हें डिफीट कर देता है। यहाँ थोड़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी दिखा दी गई है, लेकिन आप इसे ऐसा मत मानना, आप बस इतना मान लो कि एस ने उन्हें डिफीट कर दिया, जिसके बाद उन दोनों पोकेमोन को इन दोनों ट्रेनर्स ने पकड़ लिया है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसकी मोम आती है और उसको एक लेटर देती है जो आयरिस का भेजा हुआ होता है। आयरिस एस को चैलेंज करने के लिए बोल रही होती है, जिसके लिए एस निकल पड़ता है उसे चैलेंज करने के लिए यूनोवा रीजन में ड्रैगन जिम के पास। एस ये देख के काफ़ी खुश भी होता है और हैरान भी होता है कि आयरिस वहाँ पर यूनोवा की चैंपियन बन चुकी है, जिसके बाद इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। पहला राउंड होता है स्क्राफ्टी वर्सेस एस्काड्रिल, जिसमें एस्काड्रिल डिफीट कर देता है स्क्राफ्टी को, जिसके बाद आयरिस बोलती है तुम्हें क्या लगा है कि मेरा एस्काड्रिल इतना वीक है। तब एस कहता है कि नहीं, मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि तुम्हारा एस्काड्रिल काफ़ी पावरफुल है, लेकिन क्या वो उसका मुकाबला कर पाएगा। जिसके बाद वो यूज़ करता है चार्जार्ड का, चार्जार्ड ड्रैगन क्लो का यूज़ करता है और एस्काड्रिल मेटल क्लो का। इन दोनों का क्लैश होता है और दोनों पीछे होते हैं। उसके बाद आयरिस यूज़ करने को कहती है हॉर्न ड्रिल, जो वन हिट की ओ मूव है। अगर ये चार्जार्ड के लग जाता तो चार्जार्ड का खेल वहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन चार्जार्ड ये डोज कर लेता है और उसे ऊपर लेके जाता है और ऊपर से साइज में टॉस उसे दे देता है, जिसके बाद एस्काड्रिल हार जाता है। तब आयरिस कहती है एस, जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारा चार्जार्ड इनक्रेडिबल है, लेकिन हमारा एक मैच अधूरा रह गया था जो आज पूरा हो गया रहेगा। मैं चुनती हूँ ड्रैगनाइट तुम्हें, जिसके बाद ड्रैगनाइट वर्सेस चार्जार्ड का दोबारा मैच होता है और इस बार चार्जार्ड वीक पड़ रहा होता है ड्रैगनाइट के खिलाफ। एस कहता है ये तो सच में कमाल हो गया कि तुम्हारा ड्रैगनाइट इतना पावरफुल कैसे हो गया। तब आयरिस बताती है कि जब से चार्जार्ड से वो हारा है और जब से मैं यूनोवा रीजन की चैंपियन बनी हूँ, उसने सिर्फ ये ड्रीम देखा है कि वो इस चार्जार्ड को डिफीट कर सके। उसने काफ़ी सारे पावरफुल पोकेमोन को हराया है, लेकिन उसकी प्यास अभी तक नहीं बुझी है। वो सिर्फ चाहता है कि तुम्हारे चार्जार्ड को डिफीट कर दे, जिसके लिए उसने हर दिन मेहनत की है और इसने सभी वही मूव सीखे हैं जो चार्जार्ड को काउंटर कर सके। और जब इसने ये सारे मूव सीख लिए हैं तभी मैंने तुम्हें ये लेटर भेजा था इसी के कहने पे। तो आज फैसला हो ही जाए कि चार्जार्ड ज़्यादा पावरफुल है या ड्रैगनाइट। चार्जार्ड ड्रैगन क्लो हिट करने वाला होता है, तभी ड्रैगनाइट थंडर पंच उसके पेट में दे मारता है, जो सुपर इफेक्टिव होता है, जिससे चार्जार्ड काफ़ी घायल हो जाता है। फिर वो फ्लेम थ्रोवर यूज़ करता है, लेकिन उसके पास वाटर गन जैसा मूव होता है जो उसके पर सुपर इफेक्टिव भी होता है। एस समझ जाता है कि आयरिस पूरी तैयारी के साथ आई है। तब एस द्वारा स्ट्रेटेजी चेंज करता है, वो बोलता है ड्रैगन क्लो हिट करने के लिए। जैसे वो पास आ रहा होता है तभी वो ड्रैगनाइट को थंडर पंच यूज़ करने को कहती है, लेकिन इस बार चार्जार्ड उसे डोज कर जाता है और उसके पीछे आके साइज़मिक टॉस की तैयारी करने लगता है। साइज़मिक टॉस के लिए वो ऊपर लेके जाता है और स्पिनिंग करते हुए एकदम नीचे आता है, जिससे ड्रैगनाइट एक ही हिट में हार जाता है। लेकिन इस बार ड्रैगनाइट को हराने में चार्जार्ड की काफ़ी हालत बुरी हो जाती है, जिस कारण एस उसे स्विच आउट कर लेता है और भेज देता है अपना लास्ट पोकेमोन क्रोकोडाइल को। और तब आयरिस बताती है कि एस, मेरे पास एक एस भी है जिसका नाम है हेक्सरस, और हाँ, इसी ने मुझे चैंपियन बनने में मदद की थी, तो तुम इसे बच के रहना, और हाँ, ये मेरे ड्रैगनाइट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तब एस बोलता है आयरिस तुम भूलो मत, तुम्हारे ड्रैगनाइट को तो इस क्रोकोडाइल ने पहले हरा रखा है, तो ये भी उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ये बैटल देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो इन दोनों की बैटल काफ़ी कमाल की चलती है और रिजल्ट ड्रॉ में आता है। तो जैसे ये मैच ड्रॉ होता है तो हमें हमारा विनर मिल जाता है, जो है एस कैचम, क्योंकि उसका चार्जार्ड अभी रिमेन है और आयरिस के तीनों पोकेमोन डिफीट हो चुके हैं। तो यहाँ इस वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है। अब एस अल्ट्रा क्लास में आ चुका है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पे 100 लाइक करने होंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है और ये सोचने में भी कि इसकी स्टोरी कितनी यूनिक बना सकता हूँ मैं। जितनी भी मैंने इमेज यूज़ की है उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप भी एक मनचाही स्टोरी बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और मैं व्यूअर से ये कहना चाहूँगा, अगर आपको स्पॉइलर चाहिए आगे की स्टोरी के कि एस एलान से कैसे लड़ेगा, लियोन से कैसे लड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बैटल होने वाली है, उन सभी की इमेज आपको मिल जाएगी उसी लिंक में, तो अगर आप भी जाते हो देखना तो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी यूनिक होने वाली है, लेकिन उन सारी इमेज का यूज़ तो मैं करने वाला हूँ, तो फिर लगभग सेम होगी। अब आपकी मर्जी है, आपको स्पॉइलर चाहिए या नहीं चाहिए, आपको एक यूनिक स्टोरी चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक कर दो 100 लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो।